तेरी माँ ने चाड़िया बड़िया असा मंगिया ते नासा सड़िया लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आओ सामने। ओ नमस्ते जी, मेरा नाम रजनी है। जिया कि तुसे पता है कि मैं जम्मू दी कुड़ी हाँ, ते बड़िया बड़िया दी गल हो गई है। अच चलो बड़िया दा गया, अस कुछ वधिया जिहा कुछ बनाने हाँ, तो चलो तुसे लेके चले हैं बड़ी स्पेशल। हमें चाहिए 1.5 कटोरी चावल, अमृतसर की बड़िया, दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता और सरसों का तेल। बड़िया की गल हुई है तो लोगे सारे आलू बड़िया तो जनरली सारे बनाते गए हैं, तो मैं बड़िया वाला पुलाओ अज अस बड़िया वाले चौल बना लगे हैं। ये मैं 1.5 चम्मच सरसों का तेल पाया है, अस तेल की गर्म होने देने हैं। ये मैंने बड़ी को थोड़ा सा कूट लिया है और साथ में ही इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी से भुन जाए और चावलों में इसका अच्छा टेस्ट आए। और इसके साथ मैंने लौकी बॉईल करने रख दिया है क्योंकि बढ़िया वाले चावल के साथ लौकी वाला दही इसका रायता बहुत अच्छा लगता है। तेल गर्म हो रहा है और अब हम इसे बढ़िया डालेंगे। और ये जो अमृतसर की बढ़िया है ना, आप जहां भी पंजाबी मिलेंगे आपको, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ चाहे कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया कनाडा तुसी कितने भी चले जाओ, तो जो भी पंजाबी होगा उसके पास अमृतसर की बढ़िया तो जरूर होंगी। तभी तो बोलते हैं ना, तेरी माँ ने चाड़िया बढ़िया असी मंगिया ते नासा सड़िया, क्योंकि ये उनका फेवरेट होता है। हाँ तेल मस्त गर्म हो गया, ये हमारी बड़ी फ्राई हो गई है और अब हम इसको साइड पर रख लेंगे और इसको फिर बाद में चावलों के साथ मिक्स करेंगे हम। चलो जी, अब हम बढ़िया वाले चावल बनाए। सबसे पहले इसमें डलेगा जीरा, 1 तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची का पाउडर। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ में ये चावल, ये तकरीबन 1.5 कटोरी चावल है। चावलों को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। हल्दी, मसाला दानी की हल्दी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना तीखा ही अच्छा लगेगा, ये तो बरसात का मौसम है और थोड़ा करारा ही बने तो और अच्छा लगता है। नमक स्वाद अनुसार, मैंने बढ़िया भी डाल दिए। मैंने इसमें और कोई मसाला इसमें नहीं डाला है क्योंकि अगर कुछ और डालेंगे तो उसका टेस्ट आएगा। ये बढ़ियों में ही सब कुछ होता है, ये उड़द दाल की बढ़िया होती है तो सब कुछ डला होता है और इसी की खुशबू हमें इस समय चाहिए, इसलिए मैंने बाकी मसाले नहीं डाले। जिस पानी में मैंने चावल भिगोए थे वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि सारे चावलों का जो असर है वो इसमें ही है। अगर आपके पुराने चावल हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा लगेगा और अगर चावल नए हैं तो पानी थोड़ा कम लगेगा। ये चावल आप कुकर में भी बना सकते हो लेकिन मैंने खुले बर्तन में बनाए हैं, इसका एक अपना ही मजा आता है क्योंकि खिले खिले चावल बनते हैं और इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। अब बस ध्यान रखो कि जितने चावल डाले तो इतना और पानी होना चाहिए, चावल जहाँ भिग रहे हैं उसके साथ इतना पानी और ऊपर आ जाए तो आपका ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसे ऊपर से तो लग रहा है ये चावल पक गए हैं लेकिन अभी इसमें पानी है, ये अभी पूरी तरह सूखेगा, अभी थोड़ा और। लो जी बढ़िया वाले चावल तैयार हैं, ते उन्हें खाइए दसते हैं। सब तो पहले एदा बेस्ट कॉम्बिनेशन है ए लौकी वाला रायता, ओदे कने तुस इसी मिलाइए खाओ, कने पापड़, पापड़ भी है अमृतसर का पापड़ ते अमृतसर दिया बढ़िया। एक तो तुस लौकी वाले रायते कने खाओ इसी, बहुत अच्छे है। ते एक तुस अम्ब दे अचार दे मसाले कने, आम का अचार हो आपके पास पुराना या नया जैसा भी, इसको मिलाओ बड़ी वाले चावल के साथ
मैंने दो तरीके से बताया आपको, दही वाले और अचार वाले, क्योंकि बारिशें है ना आजकल तो बड़ा मजा आता है ऐसा तीखा तीखा खाने का। और ये मैं आज तो हस्बैंड बैठे हुए हैं, मैं ही खा लेती हूँ।